हाय फ्रेंड्स, आज भी छुट्टी का दिन है तो आज हम लोग बाहर आ गए हैं। तो बाहर ऐसा कुछ काम नहीं था, कैंटीन जानी थी तो मैं बोली कि आप चले जाइए, तो नहीं चलो साथ में। तो सामान लेना नहीं था, सामान कितना लूँ, और एक सामान लेना था, मैंने चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, पर नहीं चलो छुट्टी का दिन है चलो घूम कर आते हैं। तो बस आ गई थी तो मिला नहीं, मतलब हम लोग तो थोड़ा बाहर बैठे थे, मिला नहीं सामान। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि संडे है तो आज सारे कैंटीन हाफ डे से बंद होता है, पर मेरे हस्बैंड तो मानने वाले हैं नहीं जब तक वो खुद देख न ले। तो ये कैंटीन हम लोग मतलब इतने सालों में सेकेंड बार गई हूँ, जहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ यहाँ नहीं जाती हूँ, घर के पास है उसी में चले जाते हैं। पर इनका मूड हुआ कि चलो घर में ही तो है, चलो घूम कर आ जाते हैं, जो तो ठीक है भाई चलो। तो वहाँ गई तो आप आगे भी सुन लीजिएगा, और ONGC का कैंपस है इधर, इस वजह से पूरा खाली खाली रोड लग रहा है। आज का पूरा दिन ही ऐसा है, बंद बंद तो हर जगह मिल रहे हैं, और प्लस ढोसा का भी है तो मॉर्निंग में खुलता है और इस टाइम बंद है, अब रात में खुलेगा। कैंटीन कैंटीन तो नॉर्मल जैसे है ना सबका, पर आज स्टॉक चेकिंग है इसलिए आज पूरा दिन बंद है। चलिए डोसा भी नसीब नहीं हुआ, चलिए बाकी कैंटीन का टाइमिंग होगा वही है 10 से 1:30 और फिर 3:30 से 5, 5:30 वही है बोला। पूछ लिए तो बोलते हैं ना कि अगर मेरी बात मान लिए होते तो इतना घूमना नहीं पड़ता, पर मानते कहाँ है मेरी बात, बस अपनी ही सुनते हैं। तो फ्रेंड्स ही बस हम लोग वहाँ पे घूम घाम के आ गए, यानी हम लोग पूरे बड़ौदा का चक्कर लगाए हैं। तो पूरा रूट का भी दिखाती ना तो भी बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो जस्ट बोलते हैं क्या छुट्टी का दिन है तो चलो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, क्या करना है घर में भी बैठ करके। तो वहाँ पे भूख लगी थी क्योंकि दोपहर का हम लोग लंच करके नहीं निकले थे, ब्रेकफास्ट ही हुआ था। तो शाम के 4-5 बज गए तो हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड लोग को मतलब आते हैं हमेशा तो पसंद आता है इनको, तो आ गई। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बोलते ना अगर ना मिलना हो ना तो कहीं नहीं मिलता, यहाँ भी आई तो ना डोसा मिला ना चाट मिला, जो हमें खाना था स्पेशल ही खाने के लिए ही इतना मतलब घुमा रहे थे मुझे, तो नहीं मिला। तो फिर हम लोग क्या खाए, चाय और पफ लिए, क्योंकि जो पफ पेटीज होता है जो मेरा फेवरेट है, और मेरे हस्बैंड का समोसा है तो समोसा नहीं था तो मेरा फेवरेट तो चलो मिल गया, तो वही हम लोग एक एक खा रहे हैं, नाश्ता कर लिए। उसके बाद यहाँ से निकली हूँ तो बीच में फ्रेंड हमें अपनी दोस्त के यहाँ लेकर के गए थे, पर वो वीडियो मैं अलग से शेयर पहले जाएगा या बाद में जाएगा, मगर वीडियो अलग से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ के बाद जब हम लोग बाहर गए फिर फ्रेंड के यहाँ गए तो काफ़ी लेट हो गया था, और ये जब हम लोग पूरा घूम लिए हैं तो ये हमारे घर के पास का ही है, दूर नहीं है। और यहाँ पे नाइट हो गई थी यानी रात ज़्यादा हो गया था, 8 बज रहा था घूमते घूमते। फिर यहाँ पे मैं बोली मेरा पानी पूरी खिलाओ, क्योंकि मेरा तो पानी पूरी फेवरेट है, तो बस वही पानी पूरी। और फिर कितना 8-9 के बीच का हो रहा होगा टाइमिंग, तो मैं बोली अब घर जाके क्या खाना बनाओ, तो यहाँ से बच्चों को तो जो पसंद था वो सब मैं लेकर के आ गई। और जस्ट हस्बैंड एक टेस्ट किए थे, मैं बोली टेस्ट कर लीजिए, तो टेस्ट किए। अब यहाँ से मैं घर जा रही हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। और ये दिल्ली पानी पूरी फेमस है यहाँ पर का, तो मैं वहीं गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।